हेलो एवरीवन, मैथ्स विद आलोक में आपका स्वागत है। हम लोग अभी तक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने विभिन्न समतल आकृतियां जैसे वृत्त, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड आदि के क्षेत्रफलों का पृथक पृथक अध्ययन किया है, लेकिन अब हम इन सारे आकृति जो वृत्त हुआ, त्रिज्याखंड हुआ, वृत्तखंड हुआ, ये सारे को हम लोग कंबाइंड कर देंगे, संयोजन कर देंगे और उसके बाद एक नई आकृति मिलेगी और उसमें एक छायांकित भाग होगा, उस भाग का क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के बहुत सारे आकृतियों का उदाहरण देख सकते हैं। अब जैसे फूलों की क्यारियाँ, खिड़कियों का डिजाइन, नालियों का ढक्कन, ये सब आकृतियाँ को आप देखे होंगे। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए, 12.3 को बनाने के लिए हम लोगों ने विभिन्न फॉर्मूला को हम लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे आप इससे पहले 12.2 में, 12.1 में जो भी फॉर्मूलाज को देखा उसको आपको पुनः स्मरण करा दे रहा हूँ। जैसे ये हुआ त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये हुआ समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उनका क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, और ये आपका वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। अगर सारे भुजा ए हैं तो उसको ए स्क्वायर, इनकी सारे भुजाएं इक्वल है। उस प्रकार आपका ये वृत्त है, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। आपका ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल हाफ बेस इनटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और आपका ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी वृत्त का क्षेत्रफल को हम आधी कर देंगे। और एक चीज़ आपको जो सबसे आवश्यक है, उस चीज़ की जानकारी रखना सबसे बड़ा वाक्य है, कि इस चैप्टर में सिर्फ आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालने देगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, आपका जो भी फिगर रहेगा उसका संपूर्ण क्षेत्रफल को निकालिएगा। जैसे मैंने लिख दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल, जो भी फिगर है, आकृति है, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण माइनस अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग को निकालना है ना, उसको आप हटा दीजिएगा, बाकी संपूर्ण क्षेत्रफल को अछायांकित भाग से आप उसको माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो मैंने बताया, ये जो फॉर्मूलाज है उसको जानना ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, चलिए चैप्टर को बनाते हैं। 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 12.3 का, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए आप। सबसे पहले ये एक वृत्त है, क्या है, एक सर्कल है, इसमें ओ सेंटर है, वृत्त का केंद्र है, और इस पोर्शन जो है आपका, इस भाग जो छायांकित भाग है, वो जो शेडेड रीजन है, उसका क्षेत्रफल को आपको निकालना है। और फिगर में क्या क्या दे रखा है आपको, ये पी क्यू 24 cm दिया है और पी आर 7 cm दे चुका है। तो इस जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल को आपको निकालना है। तो सबसे पहला बात है कि ये तो वृत्त है, आपको क्षेत्रफल सिर्फ इतना जगह छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालना है। तो आप अगर इस पार्ट को भूल जाइए, इस पार्ट को यहाँ से, तो आप देखिएगा ये एक, ये तो आपका व्यास हो गया, और व्यास का ये आधा, मतलब व्यास कोई भी जो वृत्त है उसको तो आधी करती है, तो आधी ये जो होगी ये अर्धवृत्त हो गई। तो ये अर्धवृत्त को हम लोग अगर ये जो वृत्त, ये जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उससे आप अगर माइनस कर देते हैं तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग ये पूरा ये भाग यहाँ से छोड़ दीजिएगा, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। मैंने आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट में भी बताया कि जो पूरे जो रहता है फिगर, उसका क्षेत्रफल माइनस अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये ट्रायंगल अछायांकित भाग है। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को आप त्रिभुज का क्षेत्रफल से आप माइनस कर दीजिए तो काम हो जाएगा। तो उसके लिए ये आर हम लोग के पास नहीं है, आर नहीं है। और आपने एक चीज़ और भी पढ़ा है 9 में, जब इस प्रकार का ये रहता है, ये अर्धवृत्त रहता है, अर्धवृत्त में कभी भी जब कोई ट्रायंगल बनता है इस प्रकार, तो ये 90 हो जाता है, और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है।
अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, और जब समकोण होता है तो ये जो ट्रेंगल बनता है, त्रिभुज बनता है, वो समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो इस प्रकार ये जो कोण बना, ये जो कोण बना, ये समकोण बना और ये समकोण त्रिभुज है, और इसके जो सामने ये एच का काम करेगा, ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ ना, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइट हो गया। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, कर्ण लंब आधार बेस हो गया। तो अब हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज आपका पी क्यू आर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण तो ये हो गया आर क्यू का स्क्वायर, लंब क्या है पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, इस प्रकार हो गया। अब पी आर कितना दिया है, पी आर सेवन है, पी आर सेवन, और ये वाला 24 है, ये सेवन सेवन जा 49, और इसको आप कीजिएगा 576, 576 ने 576, आप इसको आप प्लस कर दीजिए 576 को, 576 को 49 से, 5 और ये 1 2 और ये 6, कितना हो गया 625 आर क्यू का स्क्वायर। अब ये आर क्यू आप इधर जाइएगा तो रूट ओवर 625, ये आर क्यू कितना हो गया 25 आपका, यानी डी कितना आ गया 25 cm, अरे आर कितना हो जाएगा 25/2 cm। इस प्रकार हम लोग आर को निकाल लिए। अब आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का आधी, वृत्त के क्षेत्रफल की आधी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस हाइट। इस प्रकार अब हम ये लोग का वैल्यूज को हम पुट अप करते हैं, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 25/2 का होल स्क्वायर, और ये 2 यहाँ, ये हाफ बेस हाइट, ये बेस 24 और हाइट आपका 7 है, बेस आपका 24 और ये 7, इस प्रकार हो गया। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला 12, अब इसको आप लिखिए 22 × 7 25/2 और ये 1/2, यहाँ बच गया 12 × 7। अब जो भी कटता है आप इसको काट लीजिए, ये 11 × 25 × 25 आपका 7 × 2, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 × 2 = 14, 1 × 7 = 7 = 84। इस प्रकार और भी सॉल्व कीजिए, 25 × 25 = 5, 5 × 25 2 × 1 = 6, 2 = 5 और ये 4 और ये 28, ये 84। इस प्रकार इतना आता है हम लोग का सॉल्व कर, तो इस प्रकार आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 5 को अगर 11 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 6875/28 − 84। इस प्रकार आप इसको डिवाइड करते हैं 254 254.5
54, अब ये माइनस किससे होगा, 84 से, तो अगर इसको आप माइनस कीजिएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये पहला मेथ आपका बन चुका है। क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन पे दे रखा है, तो इसमें ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, मतलब एक ही केंद्र है, दो वृत्त है सकेंद्रीय वृत्त, और उनकी त्रिज्याएं रेडियस एक ठो का बड़ी वाली जो वृत्त है उसकी 14 है और छोटी जो वृत्त है उसकी 7 है, और आपका ये जो एंगल है वो 40 डिग्री है केंद्रीय कोण, तो आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालने के लिए सबसे बड़ा बात, आप ये सबको भूल जाइए, सिर्फ इस पोर्शन को याद कीजिए। तो ये जो है ये त्रिज्या खंड का काम कर रहा है, इसमें एक बड़ा त्रिज्या खंड है, बड़ी वाली त्रिज्या खंड, और एक छोटी वाली त्रिज्या खंड, जो बड़े वाले वृत्त है, बड़ी वाली वृत्त है उसका एक त्रिज्या खंड ओ ए सी है, और एक जो छोटी वृत्त है उसकी त्रिज्या खंड ओ बी डी है। तो आप बड़ी वाली जो वृत्त है उसकी त्रिज्या खंड को आप किससे माइनस कर दीजिएगा, छोटे वाले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या खंड से, तो आप आसानी से इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए थीटा कितना दे रखा है, 40 डिग्री, आपका आर वन 14 सी एम, आर टू 7 सी एम दे रखा है, इतना ही दे रखा है। अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ बी डी का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, थीटा बाय 360 पाई, ये बड़ी वाली है आर वन हमने माना है, आर वन का स्क्वायर, और ये छोटी वाली थीटा बाय 360 पाई, छोटी वृत्त की त्रिज्या को हमने आर टू माना है। तो इस प्रकार इतना आया। अब या तो आप सेपरेट सेपरेट पूरे वैल्यूज को जो इसमें पुटअप करके भी बना सकते हैं, या जो कॉमन्स है उसको आप बाहर ले लीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको सुविधा होगा इसलिए मैं कॉमन को बाहर ले रहा हूँ, तो ये पोर्शन जो है ये चीज़ दोनों में है तो मैंने उसको बाहर ले लिया। अब ये आर वन का स्क्वायर और यहाँ आर टू का स्क्वायर हो गया। थीटा का वैल्यू क्या है, 40 डिग्री, 40 मैंने बैठाया 360, पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7, आर वन कितना दे रखा है 40 का स्क्वायर माइनस ये वाला 7 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग काटने की कोशिश करते हैं, तो ये 0 0 काट दिया मैंने, अब 4 9 36, और तो नहीं कट रहा कुछ, देखते हैं बाद में, 22 9 × 7, इसको आप 14 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर भी कर सकते हैं, या आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यानी ए प्लस बी ए माइनस बी से भी कर सकते हैं, तो मैं उसी को प्राथमिकता दे रहा हूँ, 14 − 7, यहाँ पे आप लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस प्रकार से हुआ। तो 22 9 × 7 ये वाला अगर आप सम करते हो तो 21, और इसको करते हो तो 9 आता है, तो 7 7 आता है, और ये 7 7 आपका कैंसल आउट होता है, 3 3 = 9, 3 7 = 21, इस प्रकार आपके पास 22 × 7/3 आता है। आप इसको मल्टीप्लाई के 7 2 = 14, 1 7 14 और 1 1 5 4 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार इसका आंसर आता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है स्क्वायर, और इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालना है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा
कितनी है 14, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा इक्वल होता है, इसलिए सारा भुजा 14 है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और ये APD और BPC दो अर्धवृत्त है। तो आपका ये छायांकित भाग को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरे वर्ग, संपूर्ण क्षेत्रफल तो पूरा वर्ग हुआ माइनस अछायांकित भाग, मैंने कहा था संपूर्ण ABCD का क्षेत्रफल वर्ग माइनस ये दोनों अर्धवृत्त क्या है, आपस में समान है, यानी 2 × अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इस प्रकार कीजिएगा आप, तो आपका वर्ग का प्रत्येक भुजा तो 14 हो गया, और आपका अर्धवृत्त में अगर D देखिएगा तो 14 आ गया, क्योंकि ये पूरा डायमीटर का काम कर रहा। अब उसका R आप निकाल लीजिए, 14/2 cm, R कितना हो गया 7 cm। इस प्रकार निकाले हम लोग। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2, मैंने कहा ये दोनों अर्धवृत्त समान आकार के हैं, समान क्षेत्रफल के भी है, वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर A² होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल की आधी होती है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की क्षेत्रफल की आधी होती है। ये 2 मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और ये 14 का स्क्वायर, और ये π r² 14 का स्क्वायर पाई का 22/7, r का वैल्यू 7 का स्क्वायर, 14 का कीजिएगा 196 आएगा, 22/7 आपका दो बार लिखाएगा, ये 7 196 आपका 7 × 14 1154। अब 196 को 154 से आप माइनस कर दीजिए, तो ये 2 ये 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, आकृति 12.22, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन को। आपका ये जो है OAB एक समबाहु त्रिभुज है, OAB क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपको मालूम है कितना होता है, 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 होते हैं। तो ये 60 हो गया, ये दोनों भी 60 हो, यानी तीनों एंगल 60 हो गए, और इसकी जो भुजा है समबाहु त्रिभुज की, उसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो पहला भाग हो गया, और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, ये शीर्ष हुआ, उसको केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर एक त्रिज्या लेकर के एक वृत्त को खींचा गया है। तो इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल को आपको निकालना है। तो फिगर से साफ दिख रहा है कि ये वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन इसमें एक चीज़ रिपीट हो रहा है, क्षेत्रफल को हम दो बार निकाल दे रहे हैं, वो कौन सा भाग है, ये भाग आपका A भाग। तो करना क्या है, हमें करना यही है कि दोनों का क्षेत्रफल को निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन माइनस किससे करना है, ये त्रिज्याखंड OPQ को, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, और हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप समबाहु त्रिभुज के लिए आपका साइड कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, बस उसमें तो साइड का ही ज़रूरत होता है भुजा की। अब वृत्त के लिए
आर तो आपका 6 cm दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 6 है, और तिरछे खंड एक है, तिरछे खंड ओ पी क्यू के लिए आपका थीटा कितना दिया है 60 और आर का वैल्यू 6 cm। इस प्रकार ये तीन चीज़ का जो यूज होगा हमने आपको लिख दिया। अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हमने कहा ये वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये दो चीज़ हो गया। और माइनस हमको ये त्रिज्यखंड ओ पी क्यू से करना है। त्रिज्यखंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, तो ये दोनों है और उससे एक त्रिज्यखंड को हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो त्रिज्यखंड दो बार हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल में निकाल रहे थे, उस क्षेत्रफल का छायांकित भाग का क्षेत्रफल को। वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी आप जानते हैं थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इतना लिख देना है। अब पाई का वैल्यू आप जानते हो 22/7 और आर कितना है 6 का स्क्वायर, रूट 3 का 1.732/4 और भुजा का कितना है 12, समबाहु त्रिभुज की भुजा, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है। और ये त्रिज्याखंड के लिए 60 एंगल है और 360 पाई का वैल्यू 22/7 आर का मान 6 का स्क्वायर, तो इस प्रकार ये 22 और ये 6 का स्क्वायर 36/7 इतना हो गया। अब 1.732 12 का स्क्वायर 144 होता है और यहाँ नीचे 4 है। अब इस प्रकार यहाँ पे 22 × 6/7 इस प्रकार हमने यहाँ तक ये किया। अब इसको भी काट दीजिए आप, 4 × 3 = 12 13.24 तो ये 36 टाइम्स में वो आपका हो गया। 22 और 36 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 792/7 आता है, और आपका 1.732 × 36 करते हैं तो आप 52.352 आता है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 2 = 12 रिमाइंडर 1 6 × 2 = 12 r 132 आता है। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो एक रास्ता चुनेंगे जो हमारे लिए आसान हो, तो ये दोनों मुझे दिख रहा है आसानी देगा। तो चलिए 792/7 r 132/7 इस प्रकार 52.352। अब इसको एलसीएम लेते हैं, चूँकि दोनों समान है इसलिए सेम जो लिख दिया जाता है लिख दिए हम लोग, 792 792 में आपका 132 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 667 और 52.352। अगर आप 660 को बाय 7 को डिवाइड करते हैं तो आपका 94.28 आता है, 52.352। अगर आप इसको सम करते हैं तो 94.28 52.352। क्या करना है सम करना, ये 2, 8 और 5 को हम लोग अगर जोड़ते हैं तो यहाँ 3 3 2 5 1 6 ये वाला 6 ये 14 इस प्रकार 1 4 6.632 cm² आता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व होता है।
क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक वर्ग है। ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है। उसकी भुजाएं कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये जो वर्ग ए बी सी डी की भुजाएं आपकी 4 सेंटीमीटर है, चारों भुजाएं इक्वल है। और उसके प्रत्येक जो कोना है वहाँ पर से 4/4 को काटा गया है, 4/4 को काटा गया है, और सारे एक एक 1 सेंटीमीटर के हैं। और एक जो वृत्त है, एक वृत्त जो है कहाँ पे है? आपका केंद्र में है, और उसकी जो त्रिज्या है वो है आपका 2 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर कितना होगा? 2 सेंटीमीटर डायमीटर। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप इसमें 3 चीज़ को देख रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ कौन है? वर्ग है। हमने कहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण क्षेत्रफल पूरा ए बी सी डी, और उसमें से माइनस क्या होगा? ये 4/4, और ये 4/4 आपस में इक्वल हैं। तो 1/4 को हम लोग निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ये भी एक जो वृत्त है उसको भी हम लोग ये जो पूरा वर्ग है उसके क्षेत्रफल से माइनस करेंगे। तो इसका हम लोग आर निकालेंगे, चूँकि डी दिया हुआ है। तो उस प्रकार हम लोग करते हैं। चलिए, तो वर्ग के लिए वर्ग है, उसकी भुजा कितनी दी हुई है? 4 cm, और आपका चतुर्थांश है, चतुर्थांश, और वृत्त जो है, वृत्त है, वृत्त, उसके लिए डी कितना है? 2 है, तो उसका आर कितना हो जाएगा? 2/2 यानी 1 cm। और चतुर्थांश जो है, चतुर्थांश है, उसमें आर कितना है? 1 है। तो इस प्रकार अब हम लोग जो छायांकित भाग है उसके क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालने के लिए संपूर्ण यानी वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसको हम लोग को माइनस करना है। 2 चीज़ें हैं, ये 2 चतुर्थांश है और एक बीच में वृत्त है। 4/4 का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, अगर माइनस भी लिखते हैं, अगर ये ब्रैकेट नहीं रहता तो होता, लेकिन हम लोग एक साथ लिख रहे हैं। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल यानी भुजा साइड का स्क्वायर, और चतुर्थांश 4/4 का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 4, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इतना होता है। अब यहाँ से आप 4 को कैंसल आउट कर सकते हो, तो इस प्रकार इतना हुआ। अब आपका भुजा कितनी दी हुई है? 4 है, तो वर्ग का भुजा 4 हुआ। अब ये पाई है 22/7, आर कितना है? 1 का स्क्वायर, और चतुर्थांश का मैं बात कर रहा हूँ। अब ये अंदर वाली वृत्त का मैं बात कर रहा हूँ, इसकी भी आर कितनी है? 1 का स्क्वायर, इसको आप 16 कर दीजिए, और ये कितना हो गया? 22/7, 1 कोई मायने नहीं रखता है इसलिए, और ये भी 22/7, इस प्रकार 16। आप एलसीएम ले लो, 22 + 22, 16, ये वाला कितना हुआ? अगर सम करते हैं तो 44/7। आप इसको एलसीएम ले लीजिए। अब ये 16 + 7 कितना होगा? 112, और ये 44, और इसको आप कीजिएगा, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर इसको डिवाइड करते हैं 9.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इस प्रकार ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक वर्ग है ए बी सी डी, वर्ग की भुजा है
आपकी 4 सेंटीमीटर और प्रत्येक कोना से एक एक सेंटीमीटर का चतुर्थांश को काटा गया है, वो 4 संख्या में है। और एक वृत्त है जो बीच में है, उसकी जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालने के लिए पूरे वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस किए हम लोग 4 चतुर्थांश प्लस एक जो वृत्त का क्षेत्रफल है, उस प्रकार 68/7 सेंटीमीटर² आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आप स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और फिगर कुछ इस तरह दे रखा है और आकृति 12.24 है और इसमें ये एक वृत्ताकार गोल मेजपोश है। क्या है? वृत्ताकार गोल मेजपोश है और इसके अंदर में क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है और जो वृत्त है उसकी त्रिज्या दी हुई है 32 cm। तो आपका जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल को निकालना है, बस इतना ही है। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि r दे दिया है, π r² वो निकल जाएगा। और जब ये समबाहु त्रिभुज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? साइड का ज़रूरत पड़ता है, भुजा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 * भुजा स्क्वायर होती है। तो भुजा तो नहीं है, ये BC, AC और AB कोई भी मालूम हो जाएगा तो सारी भुजाएं तो एक होती है। तो हम लोग का सबसे पहला काम है कि हम लोग को भुजा निकालना है। तो भुजा कैसे निकलेगा? तो आप इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आप उस कंस्ट्रक्शन को कर लीजिए। तो आप मान लीजिए कि इसको मिला दीजिएगा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप, इतना हो गया। तो सबसे बड़ा चीज़ है आपको ये एंगल कितना होगा। और 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि कोई जीवा है, ये तो जीवा हुआ BC, और अगर केंद्र से कोई लंब डाला जाए तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है, यानी BM और MC क्या हुआ? इक्वल हुआ। ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरी बात ये रह गई कि अब इस जगह का एंगल निकालना है। और दूसरा बात ये भी है कि अगर ये जितना भी कोण रहेगा तो ये दोनों क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 आता है, मैं भी मान ले रहा हूँ, तो ये 50 और ये 50 होगा, ये भी हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा है। तो इस जगह का एंगल हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये एंगल कैसे निकलेगा? अगर मान लीजिए ये इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं तो 3 ट्रायंगल होता, यानी ये जो एंगल है, सेंट्रल एंगल है, केंद्रीय कोण, वो 3 भाग में बढ़ जाता। तो आपका ये जो एंगल है पूरा कितना का आएगा? 360 एंगल BOC कितना आएगा? 360/3 यानी 120 डिग्री। आप सीधा लिखिए 120। कितना लिखिएगा? 120 हो गया। उसके बाद ये कोण कितना बताएं? ये 60 और ये भी 60, जो कि आपको 9th क्लास के अनुसार बताया जा चुका है। फिर एंगल BOM और एंगल COM कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। हो क्या? अब हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे BM। तो BM आप त्रिकोणमिति तो मैं पढ़ाया हूँ, तो आप BM अगर ये कैसा ट्रेंगल हो गया, ये 90 है तो ये एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, समकोण हो गया, तो ये कर्ण हो गया, कर्ण तो दिया हुआ है। अगर ये क्या है? लंब, कर्ण और लंब है, और कर्ण और लंब का संबंध किससे है? साइन से है। तो अगर हम साइन का यूज करेंगे तो BM निकल जाएगा, और BM जब निकल जाएगा तो BC क्या है? BM का डबल है, 2 गुनी है। तो उस प्रकार हम लोग करते हैं शुरुआत। अब लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज BMC में साइन 60 लंब बटा कर्ण, P/H होता है लंब बटा कर्ण, साइन 60। P कितना है? BM और ये 32 है। अब BM हो गया, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ये टेबल था, ट्रिकोमेट्रिकल टेबल, मैं उससे बता रहा हूँ। अब इसको क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर दो
32√3/2 bm और इस प्रकार ये 16, तो bm हम लोग का कितना आ गया 16√3। चूँकि bm और mc क्या है, इक्वल है, इसलिए bc कितना होगा 2 bm होगा, 2 × 16√3 32√3 cm। इस प्रकार हम लोग समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने में सफलता हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल को किससे माइनस कर दीजिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल से। तो चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल माइनस आच्छायांकित भाग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जान रहे हो पाई आर स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो इस प्रकार हुआ पाई का वैल्यू 22/7 और आर का कितना है 32, तो आप 32 का स्क्वायर लिख दीजिए √3/4। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना निकाले हम लोग 32√3 का स्क्वायर। बस हमें इतना को ही सॉल्व करना है, अब बाकी आंसर आ जाएगा। तो 32 को हम लोग दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, 32 × 32/7 ये √3/4, यहाँ पे 32 × 32√3 को अगर √3 का स्क्वायर रहेगा तो कितना होगा 3। इस प्रकार हम लोग इतना तक तो आ गए हैं। अब हम लोग का काम क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई करना। अब 32 × 32 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर 1024 होता है, 1024, और फिर ये काट दीजिए आप 4 × 8 = 32। अब बच गया यहाँ √3 आपका 8 × 3 = 24 × 32, और 22 × 1024 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 22 × 5 = 8/7 आता है, और 32 × 24 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 6 8√3 आता है। इस प्रकार आपका इतना आंसर आ गया। आप ये तो क्वेश्चन थोड़ा टफ था, आप अगर ठंडे दिमाग से बनाइएगा तो ये कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपका ये ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, उसकी भुजाएं कितनी हैं 14 cm वर्ग, तो भुजा कितना है 14 cm, और इसके जो भी कोना सब है ये सारे जो शीर्ष है उसमें उससे वृत्त खींची गई है, और वृत्त इस प्रकार खींची गई है कि जो एक वृत्त है शेष तीनों जो वृत्त है उसको स्पर्श करती है। तो आपका वृत्त के त्रिज्या कितना होगा वृत्त का, वृत्त तो आपका डी, तो आपका आर कितना हो गया 14/2 7 cm हो गया, और इस प्रकार ये जो चार चतुर्थांश है, और आपका इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालना है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग को करना यही होगा कि ये जो वर्ग है ABCD उसका क्षेत्रफल माइनस ये जो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, और ये एक सिंपल क्वेश्चन है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 × 1/4 का
क्षेत्रफल। इस प्रकार इतना करने से चारों चतुर्थांश की इक्वल है, इसलिए चार से मल्टीप्लाई कर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा कितनी है 14 का स्क्वायर, चतुर्थांश क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये 4 आप कैंसिल आउट कर दो, 14 का स्क्वायर 196 होता है, पाई का 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर 196, 22/7 और 7 × 7 17 कैंसिल हो जाएगा, तो 196 22 × 7 करेंगे तो 154 आ गया, और 196 में 154 माइनस होगा तो 42 आएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये क्वेश्चन देखने में कुछ मतलब भारी दिख रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन उस प्रकार का नहीं है ना।